हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में उमित जी बैठे हुए हैं जिन्होंने नवंबर 2023 में अपना सीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। अब ये सीए बन चुके हैं। बहुत खुशी होती है जब हमारे स्टूडेंट्स अपनी मंजिल को पा लेते हैं, तो इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होती है। और उससे भी ज़्यादा खुशी तब होती है जब सब्जेक्ट में वो टॉपर होते हैं। 81% मार्क्स एसएफए में लाकर इन्होंने बता दिया कि अगर बार बार एक चीज को रिवाइज किया जाए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, तो टफ से टफ पेपर में भी हाईएस्ट स्कोर किया जा सकता है। साथ में जो आर्टिकलशिप पीरियड होता है उसको यूटिलाइज करना सबसे अहम बात होती है। इन्होंने अपने आर्टिकलशिप पीरियड में बैंक ऑडिट, आईडीटी के सारे काम, स्क्रूटनी, स्टैट्स ऑडिट और अपने सारे, और ये बताएंगे भी आपको कि सारी नॉलेज इनके पास थी, जिससे इनको एग्ज़ाम भी क्लियर करने में काफ़ी मदद मिली। आगे चलकर अपने आप को ये फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में इनका स्पेशल रुचि है। कंपनी की ग्रोथ में ये अपने आप को कंट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं और इनकी जो माइंड है वो बहुत अच्छी यहाँ पर काम करेगी, मेरा मानना है। बड़ी से बड़ी कंपनी आज इन जैसे स्टूडेंट्स को देख रही हैं जो न्यू थॉट्स लेकर कंपनी को और नई दिशा तक पहुंचा सके। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। सीए क्लियर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और अब आप सीए क्लियर कर चुके हैं और अब आप ये सोच रहे हैं यार सीए क्लियर करने के बाद वाली लाइफ तो थोड़ी और डिफिकल्ट लग रही है। लेकिन यही स्टेज होता है, यही लाइफ होता है। हर समय आपको कोई ना कोई एक नया चैलेंज फेस करना होता है। प्लीज गो अहेड, पूरी दुनिया आपको सुन रही है ताकि आप अपने विचारों को सामने रख सकें, अपने नॉलेज को सामने रख सकें और जो आपने इतना बेहतर किया है उसका कारण बता सकें। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सर। सर ने ऑलरेडी बता दिया है मेरे 81 मार्क्स एसएफएम में थे, जो हाईएस्ट हैं सीए फाइनल में मेरे सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। सर ने क्लासेस के दौरान बताया था, अगर आप एसएफएम का पूरा सिलेबस 4 to 5 times अगर रिवाइज़ कर लेते हो तो 60+ आना तो ऑब्वियस है, और वही हुआ था। मैंने 4 से 5 बार सर का सिलेबस पूरा रिवाइज़ मारा था। सर ने जैसे क्वेश्चंस के पार्ट बनाए हुए हैं ABCDE, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज़ कर रहा था तो मैंने सारे ABCDE सारे 5 के 5 पार्ट्स करे थे। उसके बाद जब दोबारा रिवाइज़ करता था तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट करके छोड़ देता था, क्योंकि उस टाइम पे पता रहता था कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो वही मैंने 4 से 5 रिवीजन मैंने लिए थे ऑब्वियसली एसएफएम के लिए। और जब मैंने करा, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा तो 81 मार्क्स मेरे आए एसएफएम में। वो सर की क्लासेस की वजह से ही पॉसिबल था, क्योंकि खुद तो एसएफएम का मेरे को चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी क्लासेस लेने के बाद ही पता लग पाता है कि इसमें है क्या, एक्चुअली कोर्स में क्या है। आप सेल्फ स्टडी से, हाँ ठीक है, कर लेते होंगे बच्चे, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको चाहिए कोर्स के बारे में अगर जानकारी, पहले आपको क्लासेस के थ्रू ही मिल पाती है वो। आप सेल्फ स्टडी से बस थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो, बट क्लासेस ज़रूरी होती है। तो वो मैंने एसएफएम की सर से क्लासेस ली थी, उसके दौरान फिर 81 मार्क्स में एसएफएम में सिक्योर कर पाया था। अगर आर्टिकलशिप की मैं बात करता हूँ तो आर्टिकलशिप में मैंने फर्स्ट ईयर में आईडीटी से स्टार्टिंग करी थी, और फर्स्ट ईयर में ही मेरे को एमसी के काम भी दे दिए गए थे, क्योंकि मीडियोकर फर्म थी, ज़्यादा स्टाफ था नहीं, लेकिन काम काफ़ी था, काफ़ी सिखाया भी था उन्होंने। मतलब डाइवर्सिफाइड काफ़ी काम था, मतलब यूँ नहीं है कि डिपार्टमेंट बने हुए थे स्टार्टिंग में। मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर में अगर पहले आईडीटी दिया गया था मेरे को, फिर उसके बाद एमसीए पकड़ा दिया गया था, तो एमसीए प्लस आईडीटी मैं ये दोनों करता रहा। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में उन्होंने फिर डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया, जैसे हमने ग्रो करा, डीटी अलग हो गया, आईडीटी अलग हो गया, फिर डीटी का भी उन्होंने मेरे को एक्सपोजर दिया। बीजीएमजी एंड एसोसिएट से मैंने आर्टिकलशिप अपनी कंप्लीट करी है, तो डीटी में इन्होंने मेरे को स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, बैंक ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, इस सब का एक्सपोजर मेरे को मिला है। टीडीएस असेसमेंट्स का भी मेरे को काम दिया गया था, उसमें भी मैंने सीखा है। टीडीएस का भी सारा काम कर लेता हूँ, टीडीएस रिटर्न्स वगैरह असेसमेंट भी आती है मुझे। फिर वापस थर्ड ईयर में मेरे को वापस आईडीटी में भेज दिया था, जिसमें मैंने स्क्रूटनी और नोटिस के रिप्लाई वगैरह, ये ड्राफ्टिंग और डिपार्टमेंट से डीलिंग वगैरह भी मैंने फिजिकली जाके करी हुई है। डिपार्टमेंट का भी काम मतलब देखा हुआ है, डिपार्टमेंटल ऑडिट अंडर जीएसटी है जो, या फिर जो आपके वो जो नोटिस इश्यू हो जाते हैं बड़ी बड़ी डिमांड्स के, तो इसके रिगार्डिंग आपको रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, या फिर उनको
एक मतलब आपको बताना है कि हाँ ये हमने से आईटीसी वगैरह आईटीसी से रिलेटेड हो गया, आउटपुट टैक्स रिलेटेड हो गया जो हमने क्लेम कराई इन द रिटर्न्स, उसकी जस्टिफिकेशन देना। ये मैंने फिजिकली भी जाके डिपार्टमेंट में करी है और थ्रू पेपर्स भी मैंने करा हुआ है। ये मेरा एक्सपोजर है आर्टिकलशिप का, बाकी मैंने बता ही दिया है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको इतना काम आता है, इतनी नॉलेज है, तो मार्क्स में भी झलकता है। आई थिंक आईटीटी में आपका एग्जामिशन था, हाँ जी सर, और एसएफएम में फिनांस में आप बहुत अच्छा जानते हैं, आपका डीमैट अकाउंट ओपन है, आपने आईपीओ तक में पैसा लगाकर देखा है, आपने किस तरह से बाई सेल किया, आपको हर चीज़ का नॉलेज है, और हाँ वो जी सर, नॉलेज मार्क्स में भी झलकता है। बिल्कुल प्लस आपको सीए बनने से पहले ऑफर आ जाता है कि आप हमारे कंपनी में ज्वाइन कीजिए, आपको हम एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी देंगे। मतलब सीए बनने के बाद तो आपकी वैल्यू और बढ़ती बढ़ती है। सीए बनने से पहले भी यू आर सो वैल्यूबल टू अदर बिल्कुल पर्सन्स की आपको ऑफर किया जा रहा है कि भाई आपको इतना नॉलेज है। क्योंकि आजकल देखिए, डिग्री होने के बाद अगर नॉलेज नहीं होना तो बहुत आदमी पीछे रह जाता है, बिल्कुल सर, और आपके पास अब तो डिग्री भी है और नॉलेज भी है। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि उम्मीद मत हारिए, हिम्मत बनाए रखें, सबका अच्छा हो जाएगा, बस मेहनत पे भरोसा रखें। थैंक बिल्कुल यू सो सर, मच, आप आए अब मेरे से दिल्ली में मिलने आए, और आजकल क्योंकि ऑनलाइन ही हम लोग सब बातें करते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज ऑनलाइन ही होते हैं, बट अब क्योंकि आप आए, सो डेफिनेटली आपका प्राइस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, यू डिजर्व इट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, एंड फ्यूचर में जब भी हमें मौका मिलेगा, हम फिर से इनसे बात करेंगे, एक नई कंपनी में ये जब जाएंगे, एक नई जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ आपसे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सर, एंड शोइंग गाइडेंस टू ऑल आवर फ्यूचर स्टूडेंट्स।